नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की ताजा खबर में। पिछले कुछ दिनों से वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म टिकटॉक और यूट्यूब के यूजर्स के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिल रही थी। वहीं मशहूर टिकटॉकर फैजल सिद्दीकी ने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें वह एसिड अटैक का समर्थन कर रहे थे। इस वीडियो पर काफी बवाल हुआ था और राष्ट्रीय महिला आयोग ने सिद्दीकी के खिलाफ बकायदा शिकायत दर्ज की है। हाल ही में एक वीडियो सामने है जिस पर लोगों का खासा ध्यान गया है। इस वीडियो में यौन शोषण को ड्रामेटाइज तरीके से फिल्माया गया है। इस वीडियो को देखते ही लोगों के मन में गुस्सा आ गया है और वे तुरंत बैन किए जाने की मांग कर रहे हैं। वहीं पूर्व मॉडल और एक्ट्रेस पायल रोहतगी ने इस वीडियो क्लिप को ट्विटर पर शेयर करते हुए टिकटॉक पर बैन लगाने की मांग की है और साथ ही टिकटॉक पर तुरंत कार्रवाई करते हुए इसे बैन करने की मांग की है। आपको बता दें कि वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक पहले ही विवादों में आ चुका है। एक बार सुप्रीम कोर्ट ने इस पर प्रतिबंध लगाया था क्योंकि टिकटॉक लगातार अश्लील वीडियो सामने आने की शिकायतें आ रही थी। इसके बाद कोर्ट ने टिकटॉक से अपने प्लेटफॉर्म पर सभी अश्लील वीडियो हटाए जाने के निर्देश दिए थे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।